पूरे देश में कन्या भ्रूण हत्या एक लांछन है किसी को दूर करने के लिए। अब BSF की महिला की ओर से एक कैमल राइड निकाली गई, जो कि 15 अगस्त से जैसलमेर से शुरू होकर आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर अमृतसर अटारी सरहद पर आकर संपन्न हुआ। वहीं इस मार्च का मुख्य मकसद युवाओं को और खासतौर पर महिलाओं को जागरूक करना है भ्रूण हत्या को लेकर। वहीं इस मार्च में करीब 21 महिला BSF अधिकारियों ने हिस्सा लिया और यह यात्रा जैसलमेर से शुरू होकर अलग अलग स्थानों से अलग अलग शहरों से होती हुई आज अमृतसर के बाघा सीमा पर आकर संपन्न हुई। वहीं महिलाओं की ओर से इस मार्च को बहुत सराहाया गया और महिला BSF के मुताबिक स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमें देश के साथ साथ अपने दिमाग की गंदगी को भी खत्म करना होगा। अमृतसर से आज़ाद TV न्यूज़ के लिए धर्मवीर गिल्लाली की रिपोर्ट। और दूसरा एक स्वच्छ भारत का मैसेज लेके चले थे। आज हमारा फ्लैगिन है 2 अक्टूबर को, ये इसको स्वच्छता दिवस भी घोषित किया है। तो एक छोटा मैसेज जो हमारी पूरी टीम की तरफ से रहता था कि दिमाग को भी स्वच्छ करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है इंडिया का रिसाइकल रीयूज, अपने आसपास कचरा ना उठाएं, बट जो दिमाग में एक इनइक्वालिटी वाली जो गंदगी है और जो दिमाग में लड़कियों को कमतर समझने का एक जो बुरा थॉट है, आज से हमें संकल्प लेना है कि उस गंदगी को भी हमें अपने दिमाग और जहन से दूर करना होगा। थैंक यू, धन्यवाद।